राजद की कमान संभालने के बाद जगदानंद सिंह इस बार पूरे तरीके से एक्शन में दिख रहे हैं। इस बार जगदानंद सिंह के कंधों पर मजबूत जिम्मेवारी राजद सुप्रीमो ने सौंपी है। पार्टी के अंदर अनुशासन के लिए जाने जाने वाले जगदानंद सिंह इस बार लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद गर्मजोशी से स्वागत करते दिखे हैं। जग जाहिर है कि जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच कई बार अनबन की खबरें सामने आई है। हालांकि इस बार तेज प्रताप बिहार सरकार में मंत्री और महागठबंधन की सरकार है और मंत्री बनने के बाद सरकार में शामिल होने के बाद एक तरफ तेज प्रताप की जिम्मेवारियां बढ़ी है तो दूसरी तरफ जगदानंद सिंह के ऊपर भी पूरी पार्टी का दारोमदार है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जगदानंद सिंह अपने तमाम मंत्रियों को एक एक कर पार्टी दफ्तर बुला। नव निर्वाचन के बाद जब जगदानंद सिंह को पुनः कमान मिली है उसके बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे सभी मंत्रियों का जगदानंद सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सबसे पहले लिस्ट में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हैं, जो जब प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे वहां जगदानंद सिंह ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तेज प्रताप मंत्री बनने के बाद पहली बार इतने इत्मीनान से प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हुए थे। प्रदेश कार्यालय जब तेज प्रताप पहुंचे तो पार्टी के तमाम जो कक्ष हैं पार्टी कार्यालय के अंदर, जहां से तमाम जो गतिविधियां होती है, लाइब्रेरी है खास तौर पे जो जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव ने बनवाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, उन तमाम जगहों पर तेज प्रताप पहुंचे, घूमे, पुस्तकों को का उन्होंने अवलोकन किया। और इस बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आई कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, तेज प्रताप पार्टी दफ्तर के अंदर घूमे, इत्मीनान से पुस्तकालय भी पहुंचे, तमाम चीजें देखे। उसके बाद दूसरे मंत्रियों का भी नंबर आया। तेज प्रताप इकलौते मंत्री नहीं थे जो प्रदेश कार्यालय पहुंचे, हालांकि जगदानंद सिंह ने बिहार के तमाम सरकार में शामिल मंत्रियों को प्रदेश कार्यालय बुलाया और सभी लोगों का स्वागत किया। कई ऐसे मंत्री हैं जो प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और उनका स्वागत भी जगदानंद सिंह ने किया है। इसमें अनीता देवी हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं आरजेडी कोटे से, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उनको भी जगदानंद सिंह सम्मानित करते हुए दिख रहे हैं, गर्मजोशी से उनका भी स्वागत कर रहे हैं, बुके दे रहे हैं, पुस्तक दे के उन सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है प्रदेश कार्यालय में। जैसे सुरेंद्र राम है बिहार सरकार में मंत्री, उनको भी जगदानंद सिंह सम्मानित कर रहे हैं। जितेंद्र राय हैं वो भी पहुंचे हुए थे प्रदेश कार्यालय और उनको भी जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, दोबारा पार्टी की कमान मिलने के बाद, अपने जो पार्टी के आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह पार्टी के अंदर अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। और लालू प्रसाद यादव ने जब जगदानंद सिंह के नामांकन के बाद जो घोषणा हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्वाचन के बाद, जब निर्विरोध जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह ने पार्टी को बेहतर बनाया है, पार्टी के अंदर वो अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर काम किए हैं, ऐसे में पार्टी को और आगे ले जाने की जिम्मेवारी भी जगदानंद सिंह को दी जा रही है। और इसी कड़ी में जगदानंद सिंह ने अब पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री हैं उनको एक एक कर बुलाकर प्रदेश कार्यालय में सम्मानित किया। कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो बोर्ड रूम की तस्वीरें है वो हम दिखा रहे हैं कि बोर्ड रूम के अंदर किस तरीके से मंत्रियों का स्वागत जगदानंद सिंह कर रहे हैं।